मुरादाबाद ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हुए सिविल लाइन के जिला कलेक्टर पर किया गया प्रदर्शन डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि आज थाना सिविल लाइन के जिला कलेक्टर पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को भारत बंद का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि दिल्ली में किसान करीब 4 माह से बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 4 माह पूर्ण होने पर घोषित 26 मार्च को भारत बंद का समर्थन करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए किसानों की मांगों को सरकार द्वारा पूरी करने की मांग की गई। इस पद पर मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला प्रभारी हूं और अखिल भारतीय किसान महासभा का जिला कमेटी सदस्य। किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आज हमारा प्रदर्शन पूरे देश के अंदर, आज भारत बंद है और ये किसानों ने पहले से ऐलान कर दिया है। लंबे समय से किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। जो तीनों कृषि काले कानून सरकार ने बनाए हैं और 2020 विद्युत बिजली संशोधन बिल को ये लेकर के आए हैं, उसके विरोध में एक लंबा आंदोलन किसानों का चल रहा है। उसी कड़ी में आज भारत बंद है। पूरे किसानों ने सुबह 6 बजे से दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद कर रखे हैं। मुरादाबाद में हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो काले कानून हैं, उससे देश तबाह होगा, देश का किसान तबाह होगा, देश का मजदूर तबाह होगा, उससे किसी को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। उनको रद्द करने की मांग को लेकर आज भारत बंद का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। किसको ज्ञापन देंगे, कौन से अधिकारी को? ज्ञापन हम जिलाधिकारी को देंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ये हम ज्ञापन भेजेंगे कि तत्काल इन तीनों कानूनों को, जो काले कानून हैं, इनको रद्द किया जाए और 2020 बिजली संशोधन बिल है उसको भी तत्काल रद्द किया जाए।